हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज नॉन पार्ट फाइव के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, आपको एरर छापना है पहले सेंटेंस में। द कैटल, अब देखो कैटल मैंने पढ़ाया था आपको, क्या होता है कैटल? प्लूरल होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है प्लूरल। ग्रेजिंग, आ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपको पता लग गया क्या मिस्टेक है इसमें। कैटल आते हैं, क्या करना है? वर्क करना है, वाज नहीं करना है। ये डिलीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्क, है ना। कैटल क्या होता है? बहुवचन होता है। इसी प्रकार द वर्मन हैज लेफ्ट ओवर, वर्मन यानी क्या होता है? ये भी आपका बहुवचन होता है, हैज नहीं होगा, इसमें क्या होगा? हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव। इसमें हैव सही माना जाएगा। वर्मन में क्या होता है? ये भी बहुवचन का वर्ड होता है। दीज डेज पीपल, दीज डेज पीपल्स, देखो यहां पे पीपल आर मेड आफ्टर द रिचेज, यानी इन दिनों में लोग क्या होते जा रहे हैं? धनवान होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब देखो पीपल, पीपल वर्ड बताया था आपको मैंने, क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल के लिए आता है, तो यहाँ पे ये आर सही है, यानी सेंटेंस आपका सही है। इसी प्रकार द जेनेट्री ऑफ दिस पैलेस आर द ना पुअर, अब देखो जेनेट्री वर्ड आ गया, तो मैंने आपको पढ़ाया था जेनेट्री क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल। ये आता है तो प्लूरल में, क्या आता है? जेनेट्री। ये आपको प्लूरल में आता है, तो ऑफ दिस, तो आपको वर्ब देखनी है। जेनेट्री आती है, आपको क्या देखनी है? वर्ब। तो यहाँ पर आर भी सही है, यानी सेंटेंस भी आपका सही है। इसके बाद देखिए द कैनन वर बूमिंग, यानी कैनन यानी क्या होता है? तोप खाना, है ना। कैनन यानी क्या होता है? तोप खाना। अब कैनन वर्ड किसमें आता है? प्लूरल में आता है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज हुई है? प्लूरल की, इसलिए इस प्रकार ये सेंटेंस भी आपका सही है। इसी प्रकार सम फॉल्क आर, अब देखो फॉल्क ये होता है ना, फॉल्क, ये भी आपका प्लूरल में माना जाता है फॉल्क। तो फोल्क यहाँ पे वर प्लूरल की आ गई, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका सही माना जाएगा, है ना। तो ये फोल, कैनन, जेनेट्री, पीपल, वर्मिन, केटल, ये क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन के, इनके साथ में बहुवचन, ये वर्ब नाउन तो बहुवचन के होते हैं, इनके साथ में वर्ब भी बहुवचन की आती है। द एक्स्ट्रा, अब देखो ये आ गए एक्स्ट्रा वर्ड, टा, एक टा आपको बताया था मैंने, एक्स्ट्रा किसमें आता है? एक्स्ट्रा डी डी ए आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, है ना, तो वो हमेशा किसके होते हैं? बहुवचन के वर्ड होते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑफ द एनिमल्स आर, अब तो यहां पर भी ये सही है, एक्स्ट्रा बहुवचन की नाउन है, कौन क्या है? प्लूरल नाउन है यहाँ पे, ये वर्ब कौन सी होगी? आपकी प्लूरल वर्ब होगी, ये सेंटेंस आपका सही है। इसके बाद देखो मोस्ट ऑफ द एनल्स, एक होता है गुद्दिया, ऑनल्स, एनल्स, मोस्ट ऑफ द एनल्स, तो ये आपका क्या हुआ? ऑफ द इंडिया, अब इंडिया तो सिंगुलर है, लेकिन इससे पहले एनल्स वर्ड आ गया, तो एनएल्स वर्क करते ही आपको क्या समझना चाहिए? ये वर्ब, इसकी वर्ब प्लूरल में होगी। इसी प्रकार थैंक्स, थैंक्स हमेशा क्या है? थैंक, थैंक्स बहुवचन हो गया, इसलिए ये भी आपका सही है। द एनिवर्स ऑफ द हाउस इज ड्यूटी, देखो इसमें आपको त्रुटि है, इसमें क्या आएगी? द एनिवर्स आ गया, ये एनिवर्स होता है, ये किसका होता है? प्लूरल होता है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, क्या आएगा? आर, ये आपका वर्ड सेम आ जाएगा इसमें, इसी से क्या आ जाएगा? आर। आर द असिस्टेंट्स, आर द असिस्टेंट्स ऑफ द रिच मैन वर, ये गलती हो गया, असिस्टेंट आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वाज की जगह वर हो जाएगा, है ना। तो ये नाउन प्लूरल है आपके, नाउन कौन से है? प्लूरल है, इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल में आएगी। एक वर्ड होता है द इविस ऑफ द हाउस, है ना, तो हाउस आर, ये आपका सही है। इविस क्या होता है? हाउस, ये आपका बहुवचन वर्ड हो गया, यहाँ पे वर्ब बहुवचन की हो गई, इसलिए ये वर्ड सही है। अब देखो कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये नाउनों को अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये नाउन है ना जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे ज्यूरी, कोर, कमिटी, काउंसिलिंग, क्राउड, हर्ड, टीम, गवर्नमेंट, मूव, कम्युनिटी, यूनियन और क्लब, अपोजिशन, फ्रिम और फ्लॉक, जनता, फ्लॉक, झुंड, है ना। ये हमेशा क्या होती है? प्लूरल सिंगुलर होते हैं। ज्यूरी है ना, ज्यूरी कानून से संबंधित, कोर समूह, कमेटी दल, काउंसलिंग सलाह के परिषद की होती है, क्राउड भीड़, हर्ड, हर्ड यानी होता है एक जानवरों का गुच्छा होता है जिसमें सींग वगैरह सब निकले रहते हैं, वो हर्ड, टीम दल, गवर्नमेंट सरकार, मुंह भीड़ तंत्र, कम्युनिटी है ना समुदाय, यूनियन एकता, क्लब, क्लब होते हैं ना, अपोजिशन और फ्रीम और फ्लॉक, झुंड, है ना। तो इसी प्रकार अपन, अब देखो ये वर्ड आते हैं, ये सिंगुलर में आते हैं, लेकिन इनका वर्ड अपन जैसे ज्यूरी, ज्यूरी वर्ड को जैसे डिवाइडेड के रूप में करते हैं,
है ना, विभिन्न के रूप में, तो बहुचन के रूप में भी वर्ब में आ सकती है। उसके बाद एग्जांपल करेंगे तब जाके आपके और समझ में आ जाएंगे।